ये पार्ट बजाने वाली है उसकी गुह्यता को बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते। कैसे भी भारत में कहा भी जाता है त्रिया चरित्रम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य, तो वो तो माता का पार्ट है। त्रियाओं में भी जो सबसे बड़ी त्रिया है उसका पार्ट है। वो श्रेष्ठ पार्ट को सुप्रीम सोल बाप ही जान सकता है, उसकी गुह्य गति को दूसरा कोई नहीं जान सकता। जो पहली रचना है बाप की वो है प्रकृति माता, जगदम्बा, गीता माता। तो जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए तब तक सालिम बुद्धि किसकी कही जाएगी, माता की या बच्चे की? माता ही कही जाएगी। बचपन में माता ही बच्चे की गुरु होती है। तो 89 से लेकर के और जो 60 साल बताए हैं किस बात के? राजधानी स्थापन होने की मुरली में। वो राजधानी स्थूल होगी या पहले चैतन्य और सूक्ष्म रूप में होगी? चैतन्य सूक्ष्म रूप। दिल्ली दिल है इसका बाप दादा, माना राम और कृष्ण दोनों ही आत्माओं का दिल्ली दिल है। सुप्रीम सोल बाप का भी दिल है। जो दिल है वो क्या करता है, हैं? शरीर में दिल का क्या पार्ट है, हैं? सप्लाई करता है, प्योरिफिकेशन करता है। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। विदेशी लोग जब कोई सौगात देते हैं तो कौन सा चित्र बनाते हैं, विशेष करके दिल का चित्र बनाते हैं। तो दिल का जो आकार प्रकार है वो पीपल के पत्ते जैसा होता है। क्या? पीपल के पत्ते पर मनुष्यों ने कृष्ण का चित्र दिखाई दिया गर्भ महल में। गर्भ महल जो है वो बीज रूप अंडाकार दिखाया हुआ है। क्या? पत्ते पर कौन? बीज, अंडा। और अंडे में कौन है? कृष्ण की सोल। तो तीन बातें हो गई, पत्ता, अंडा माना बीज और उसके अंदर कृष्ण बच्चा। तो ये तीनों स्थूल बातें हैं या कोई सूक्ष्म चैतन्य रूप भी होंगे? कोई सूक्ष्म चैतन्य रूप भी हैं। ऐसे ही शास्त्रों में और चित्रों में नहीं दिखाया हुआ है, चित्रकारों ने ऐसे ही चित्रकारी नहीं की हुई है। शास्त्र तो फिर भी बाद में बने। अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में चित्रों के अंदर सारी भाव भंगिमा भरी गई थी। तो जो शास्त्रों में चित्र दिखाया जाता है पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में कृष्ण बड़े आराम से बैठा हुआ है। अब गर्भ महल में बच्चा दुखी होता है, त्राहि त्राहि करता है या बड़े आराम से बैठता है? हैं? वो तो त्राहि त्राहि करता है कब मुझे बाहर निकलने को मिले। तो वास्तव में ये अलौकिक बात है। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में जो शूटिंग हुई है वो बात है कि कृष्ण की सोल चंद्रमा के रूप में प्रवेश करती है अंडे में,
कौन सा अंडा? प्रजापिता। जैसे मुरलियों में बताया, कृष्ण बच्चा पैदा हुआ, फिर उसको टोकरी में डाल करके विषय वैतरणी नदी से पार ले जाते थे, तो उन्होंने तो स्थूल समझ लिया, स्थूल नदी दिखा दी, स्थूल टोकरी दिखा दी, उसमें स्थूल बच्चा दिखाई दिया। है कहाँ की बात? है ये संगम युग की बात कि कृष्ण की सोल दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल जब बीज रूप स्टेज पकड़ती है और टोटल एडवांस पार्टी की बात करती है अव्यक्त वाणियों में, तो वो बीज रूप आत्मा सूक्ष्म शरीर को त्यागने के बाद परिपूर्ण रूप से उस गर्भ में, उस बीज में, बुद्ध रूपी गर्भ प्रजापिता में प्रवेश तो करती है, लेकिन प्रजापिता किसका आधार लेता है? धर्म स्थापना के लिए आधार किसका लेता है? माता का आधार लेता है। जो भी मनुष्य रूप में अवतार दिखाए गए हैं वो सब धरणी का आधार लेते हैं, और जो आधार नहीं लेते हैं धरणी का, जल का आधार लेते हैं, वो सब है जानवरियत के अवतार। मनुष्य रूप में जो अवतार है वो राम कृष्ण दिखाए गए हैं, तो राम कृष्ण की सोल धरणी का आधार लेती है। वो पीपल के पत्ते में दिखाया गया है इसीलिए कि पीपल के पत्ते के रूप में कोई पार्ट बजाने वाली शक्ति है जो दिल्ली रूपी दिल का पार्ट बजाती है। क्या पार्ट बजाती है? दिल्ली रूपी दिल का पार्ट बजाती है। नई सृष्टि के आदि में भी वो दिल्ली होती है और अंत में भी वो दिल्ली ही होती है। दिल्ली परिस्थान और दिल्ली कब्रस्तान। कब्रस्तान में ज्ञान का नाम निशान नहीं रहता, देह अभिमानी मुर्दे ही मिट्टी में मिलाए दिए जाते हैं। कौन सी मिट्टी? देवान की मिट्टी में। जैसे मुसलमानों के शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम जब शरीर छोड़ते हैं तो कब्र दाखिल हो जाते हैं। क्या कहते हैं? कब्र दाखिल हो जाते हैं। कब्र दाखिल होने का मतलब क्या हुआ? वही आत्मा मिट्टी में नहीं मिल जाती, जो भी देहभान है वो सारा मिट्टी में मिल जाता है, आत्मा तो जाके फिर भी कहीं ना कहीं जन्म लेती है। तो पीपल का पत्ता कौन सी आत्मा हुई? कृष्ण तो अंडे के अंदर दिखाया गया, अंडा प्रजापिता हुआ, जिस बीज से वो बच्चा पैदा होता है उस बीज के अंदर समाया हुआ है। वो अंडा किसका आधार लेता है? ऐसी नवैया का आधार लेता है जो बहुत हल्की है, जैसे पीपल का पत्ता थोड़ी सी हवा का झोंका आता है और पत्ता जोर से हिलता है। क्या? और पत्ते उतने नहीं हिलते हैं जितना पीपल का पत्ता हिलता है। क्या विशेषता होती है उसमें? हाँ, उसकी डंडी बहुत लंबी होती है, माना वृक्ष से वो थोड़ा अलग हो जाती है, अलग थलग। पूछते हैं हमको, माँ क्यों नहीं मिलती? मुरली में बोला है माँ 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 कह के बंगाल की तरफ चिल्लाते हैं। अरे ड्रामा में नूद ऐसी है, नूद करने वाले भी हम ही बच्चे हैं। प्रकृति में जो पॉल्यूशन किया है वो पॉल्यूशन करने वाले भी हम बच्चे हैं।
प्रकृति माता की गोद में रह करके आधा कल्प प्यार भी हमने लिया है और आधा कल्प प्रकृति की गोद में पल करके भी उसमें पॉल्यूशन पैदा करके दुख अर्जन करने वाले भी हम ही बच्चे हैं। प्रकृति पति तो पिता है, प्रकृति माता भी है इस समय चैतन्य में, प्रकृति पति भी चैतन्य में है। अव्यक्तवाणी में इशारा भी दिया हुआ है, क्या प्रकृति क्या करेगी? सफाई, झाड़ू लाएगी। प्रकृति अपने दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है, लंबे 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 झाड़ू लेकर। इसलिए सफाई के लिए क्यों सफाई करेगी? क्या बात हो गई सफाई करने की? कहते हैं जल लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो पहले घर की सफाई होती है, घर के अंदर से कचरा विशेष रूप से साफ किया जाता है वर्ष के अंदर। तो ये ब्राह्मण परिवार भी एक घर है, उसमें जो बीज रूप एडवांस पार्टी प्लानिंग पार्टी है वो भी एक परिवार है। इस षष्टि रूपी वृक्ष का पहला पहला परिवार, उस परिवार में कृष्ण का बहुत नजदीकी संबंध किससे है? मीरा माता कही जाती है। क्या कही जाती है? मीरा माता। जो भी विशेष कवि हुए हैं मीरा के काल में ही हुए हैं। कौन कौन से कवि थे? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, उसी समय में मीरा भी हुई थी। उसको कृष्ण के साक्षात्कार होते थे, कृष्ण को अपने नजदीक से नजदीक अनुभव करती थी, कृष्ण के गीत गाती थी। लेकिन मीरा क्या बैकुंठ में गई? नहीं गई। लेकिन वो कलयुग के मध्य आदि की शूटिंग अब हो रही है, होने वाली है। क्या होने वाली है? तो मीरा की बुद्धि में अब भी साक्षात्कार होगा या नहीं होगा? क्या साक्षात्कार होगा? कृष्ण भगवान है, हैं? हैं? कृष्ण भगवान है, ये साक्षात्कार होगा या शिव शंकर का रूप भगवान है? हाँ, उस समय तो ज्ञान नहीं था, इसलिए कृष्ण को भगवान मान करके मीरा ने क्या किया? विष का प्याला पिया। तो कृष्ण को भगवान मानेंगे, मनुष्यों को भगवान मानेंगे तो क्या करना पड़ेगा? विष ही पीना पड़ेगा। भगवान तो कोई तुरिया चीज है। अभी ब्राह्मण परिवार में जो एडवांस पार्टी है प्लानिंग पार्टी, उसमें भी बहुत सी आत्माएं हैं जो ब्रह्मा की सोल को बहुत ऊंचा समझती हैं, भगवान का रूप समझती हैं। क्या समझती हैं? भगवान का। बेसिक नॉलेज में भी ऐसे ही हुआ और अब एडवांस नॉलेज में भी यही हो रहा है। कोई ग्रुप है जो ब्रह्मा के दूसरा रूप जगदम्बा को ही भगवान का रूप मानते हैं, साक्षात भगवान भी उनके सामने आ जाए डायरेक्शन दे तो नहीं मानेंगे। किसकी बात पर चलेंगे? माँ की बात पर चलेंगे। बात ठीक भी है। लौकिक दुनिया में भी देखा जाता है कन्याएं किस तरफ झुकती हैं? माँ की तरफ झुकती है। और जो कुमार हैं वो किस तरफ झुकते हैं? बाप की तरफ झुकते हैं। लेकिन वो तो लौकिक दुनिया की बात है जिसमें अक्ष पड़ता है अलौकिक दुनिया का। वर्षा किसको मिलता है? वर्षा बाप से मिलता है। माने कुमारियों को, जो चंद्रवंशी कुमारियां होंगी उनको वर्षा नहीं मिलेगा? जो जगदम्बा की भुजाएं बनती हैं उनको वर्षा नहीं मिलेगा?
मिलता तो है, लेकिन अव्वल नंबर जो वर्षा है वो बच्चा ले जाता है। कन्या को फिर भी ट्रांसफर होना पड़ता है। ट्रांसफर होना माना परिवर्तन होना पड़ता है। तो जो बुद्धि में बैठा हुआ है कि ब्रह्मा ही भगवान है, माना कृष्ण की सोल ही गीता का भगवान है, वही भगवान का असली रूप है, ये बात बुद्धि में से निकालनी पड़ेगी। इसको ब्राह्मणों की आधारभूत तो दुनिया को उनको बाद में निकालनी पड़ेगी, पहले किसको निकालनी पड़े बुद्धि में से? बीज रूप आत्माओं को ये बात बुद्धि में से निकालनी पड़ेगी। जो रुद्रमाला के चंद्रवंशी ग्रुप के आत्माएं हैं उनको ये बुद्धि में से निकालना पड़ेगा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, कौन है? साक्षात परमपिता परमात्मा शिव का साकार स्वरूप है, जिसकी मूर्तियां संसार में सबसे जास्ती तादाद में मिली है। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में, ग्रीस में, मेसोपोटामिया की खुदाई में मिली है। तो वो विश्व का पिता जिसमें सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव प्रवेश करते हैं, उस स्वरूप को पूरा पूरा फॉलो करना पड़े। अक्सर करके ये गलती हो जाती है। बाबा ने कहा एक को याद करना है और उस एक के साथ सहयोगी माता है। माता किस लिए बनाई जाती है? सहयोग, बाप का सहयोग देने के लिए जीवन में मां को बनाया जाता है। परिवार की पालना, परिवार को जन्म लेने के लिए देने के लिए मां की रचना की जाती है। तो मां जो है अर्धांगिनी कही जाती है। किसकी? बाप की। लेकिन अर्धांगिनी तब ही तो बने जब कार्य करे। क्या कार्य करे? जैसे बाप चाहता है वैसे ही मां उसका पूरा पूरा सहयोग करे। इसलिए भारतीय परंपरा में आज भी वो परंपरा अपनाई जाती है। पति क्या है? पति परमेश्वर है, होता नहीं है परमेश्वर। पति परमेश्वर होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन मान्यता चली आ रही है। भक्ति मार्ग में जो भी मान्यताएं पड़ती है वो उनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में। तो संगम युग में ये फाउंडेशन परमात्मा सुप्रीम सोल बाप ने आकर डाला होगा। सुप्रीम सोल बाप शिव वो जरूर कोई तन में आकर के ये फाउंडेशन डालता है। क्या? कि माता के लिए सर्वोपरि कौन है संसार में? उसका पति ही सर्वोपरि है। वो दोनों जब तक मिलकर कार्य नहीं करेंगे, दिल एक होकर के कार्य नहीं करेंगे, तब तक सृष्टि प्रक्रिया का जो श्रेष्ठ रूप संसार के सामने आना चाहिए वो नहीं आ सकता। लौकिक दुनिया में भी ऐसे ही होता है। माँ बाप प्यार से मिलन मेला मनाते हैं तो श्रेष्ठ बच्चे का जन्म होता है, और बलात्कार पूर्वक कार्य किया जाता है, बीजारोपण किया जाता है, तो बच्चा कैसा पैदा होता है? आसुरी बच्चा पैदा होता है। ये भी शूटिंग कहाँ की है? पुरुषोत्तम संगम युग की ये शूटिंग है। क्यों? कहते हैं शंकर से बिच्छू टिंडन पैदा हुए। क्यों पैदा हुए? अरे शंकर जब देवदेव महादेव कहा जाता है तो उसे बिच्छू टिंडन क्यों पैदा होना चाहिए? कौन पैदा होना चाहिए? श्रेष्ठ की पैदाइश होनी चाहिए या दुखदाई की पैदाइश होनी चाहिए? श्रेष्ठ। फिर बिच्छू टिंडन क्यों पैदा हुए? देखा देखी वो काम करते हैं ना। नहीं, बिना समझा के ज्ञान, ज्ञान को धारण करने में, ज्ञान को लेने में और ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप संसार के सामने
लाने में टाइम लगता है। जम दे जाम दे नहीं हो सकता, हथेली पर आम नहीं जमा उगाया जा सकता, इसके लिए टाइम की जरूरत है। तो वो टाइम लुधा हुआ है 60 वर्ष राजधानी की स्थापना के लिए, मुरली में बोला। पढ़ाई के लिए कितना टाइम बताया? 50 साल। माने कृष्ण की सोल की पढ़ाई पूरी होती है कब? 88-89 में उसका मृत्यु लोग समाप्त हो जाता है। आप मुए मर गई दुनिया, देहभान से मर गए, चाहे सूक्ष्म देहभान सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर का देहभान हो, उससे मर गए तो कहां पहुंच गए? वैकुंठ लोग। तो कृष्ण की सोल पीपल के पत्ते पर अंडे के अंदर वो बच्चा दिखाया जाता है। तो अब बताओ पीपल का पत्ता कौन हुआ? गीता माता। गीता माता जगदम्बा। और अंडा कौन हुआ? प्रजापिता। वो उसे गीता माता के दिलो दिमाग में समाया हुआ है। क्या प्रवेश है कि नहीं है? है? प्रवेश है, लेकिन वो प्रवेश था उस तरह की नहीं है। किस तरह की? जैसे प्रजापिता और ब्रह्मा दादा लेखराज में प्रवेशता ज्ञान शिव की हुई। रुद्रमाला का मणका तो है कौन? गीता माता। लेकिन रुद्रमाला का मणका होते हुए भी ऐसा मणका है जिसमें अनेक मुख दिखाए जाते, माना अनेक आत्माओं से प्रभावित हो जाती है माता। जैसे ग्रहण दिखाते हैं ना, तो चंद्र ग्रहण पड़ता है तो किसके प्रभाव से प्रभावित हो गया, किसकी परछाई में आता है? हाँ, राहु कोई नहीं होता। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर पड़ता है, किसके ऊपर? धरणी माता के ऊपर। धरणी माता माने कन्या माता है, और कन्याओं माता रूपी जो धरणी है उसके परछाई में चंद्रमा आ जाता है। क्या? चंद्रमा जो ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली है वो प्रभावित हो जाती है। बेसिक नॉलेज में भी ऐसे ही हुआ। जो सतयुग के सेकंड नारायण बनने वाली पावर सोल, पावरफुल सोल, थर्ड नारायण, फोर्थ नारायण, एट्थ नारायण तक जो भी सप्त ऋषि बच्चे थे वो ब्रह्मा मां को प्रभावित करते रहे। मुरली के वर खिलाफ आचरण करना शुरू कर दिया, और बाबा ने उनसे प्रभावित होकर के वो कार्य को मान लिया। मुरली में कहा फोटो नहीं निकालना है, लेकिन बाबा के सामने ही फोटो निकाले जाने लगे। मुरली में कहा माया की मत से प्रभावित होकर के ढेर चित्र बनाए। किसने बनाए? कोई भी बच्चे हो तो वो बात का भी उल्लंघन हुआ। मुरली में कहा मेलों से मेला इकट्ठा होता है, असली मेला है ज्ञान सागर। बाप जब प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर आता है साकार तन में, तो उस मेले से सदगति होती है। नदियों, पोखरों और तालाबों के मिलन से संसार की दुर्गति होती है। सागर जब तक न मिले तब तक सदगति नहीं हो सकती। इसलिए सबसे बड़ा मेला कौन सा माना जाता है? गंगा सागर मेला गाया हुआ है। तो ये मेले मलाखड़ों की शुरुआत भी होती है कलयुगी शूटिंग से। क्या? कलयुगी शूटिंग से शुरुआत होती है। सन 73 में पहला मेला मनाया गया। क्या पहला मेला? कब? 73 में, जब सतयुगी जो कल्प की आवृत्ति हो रही थी
चार अवस्थाओं की, तो 73 से पहला मेले की शुरुआत हुई। ढेर की ढेर आत्माएं, मुट्ठी भर ब्राह्मणों के संसर्ग संपर्क दृष्टि वृत्ति के करप्शन में आने लगी और ब्राह्मण परिवार का तेजी से पतन होने लगा। संक्षेप तक सत्य की शूटिंग की पूर्णाहुति हो गई और बाप प्रत्यक्ष हो गया ब्राह्मणों की दुनिया में। पूरा पतन होता है तभी प्रत्यक्ष होता है, जो शास्त्रों में लिख दिया कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा और संभव आम युगे युगे, तो कल्प के अंत में आता है या युग युग में आता है? नहीं, हर कल्प की अंत की शूटिंग में परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होते हैं। हर युग की चार अवस्थाओं की शूटिंग के बाद परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो वो बीज रूप अंडा, उसमें पार्ट बजाने वाली, प्रवेश करने वाली चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा बनाम वो उर्फ कृष्ण की सोल और वो पीपल का पत्ता, ये तीनों ही आत्माएं जब तक संगठित होकर के पार्ट नहीं बजाएं, एकाकार होकर के पार्ट ना बजाएं, तब तक लक्ष्मी का भी आगमन नहीं हो सकता, क्योंकि पहले बनेगी रुद्रमाला, बाद में विजयमाला बनेगी। रुद्रमाला भी तब तक कंप्लीट नहीं कही जाएगी जब तक रुद्रमाला के मण के विकारों पर विजय पूरी प्राप्त करके विजयमाला में न पिरो दिए जाए, तब तक वो भी पूजनीय नहीं बन सकते। संपन्न माला तब कही जाएगी जब राजाओं और रानियों दोनों के संस्कारों का मिलन होकर के एक संगठन तैयार हो जाए और वो संसार में प्रत्यक्ष हो। तो ब्रह्मा की सोल इस समय जो गुलजारदासी में पार्ट बजाए रही है, उसमें ये प्रश्न पैदा होता है कि जब 100 साल ब्रह्मा के पूरे हुए, सूक्ष्म शरीर से भी पूरे हो गए, स्थूल शरीर तो 69 में ही छूट गया, तो अब पार्ट क्यों चल रहा है 10 साल से? ये प्रश्न पैदा होता है। पैदा होने की बात नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कृष्ण को दिखाया है कि और जो गर्भधारी मनुष्य जन्म लेते हैं वो तो 9 महीने में जन्म लेते हैं, लेकिन कृष्ण ने 10 महीने से भी ऊपर हो गया टाइम तब जन्म लिया। तो 89 और 76 कितने वर्ष का अंतराल हुआ? 12 वर्ष, 16 साल सतयुगी शूटिंग, 12 साल त्रेतायुगी शूटिंग के अंत में, माना द्वापर युगी शूटिंग के आदि में। कृष्ण को कहां दिखाया शास्त्रों में? द्वापर में। तो बात कहां की हुई? संगम युग की बात है, कोई द्वापर में भगवान थोड़े ही आता है, कृष्ण के रूप में थोड़े ही आता। तो पीपल के पत्ते पर जो अंडे का रूप दिखाया गया है, वो कृष्ण की सोल 89 से अपना विशेष पार्ट बजाना शुरू करती है। उसमें भी 1 वर्ष रुंग का जरूर जोड़ना पड़े, जैसे 76 में 1 वर्ष रुंग का जोड़ा तो 77 आया संपूर्णता वर्ष। संपूर्णता वर्ष की घोषणा हुई प्रत्यक्षता वर्ष के बाद, ऐसे ही 87 और 88 में अव्यक्त बाप दादा का आना बिल्कुल नहीं हुआ। क्या गुजर दादी में उस पूरी वर्ष वो सीजन नहीं चला? क्योंकि एडवांस पार्टी की विशेष आत्माओं का सिलेक्शन होना था, कृष्ण की सोल को ट्रांसफर होना था, कहां? एडवांस पार्टी में।
इसलिए वो कृष्ण की सोल पीपल के पत्ते पर अंडे के अंदर विशेष गर्भ महल में पार्ट बजाना है, तो वो कार्य विशेष करने के लिए एडवांस पार्टी में सारी शक्ति बाप दादा ने लगाई दी। क्या सारी शक्ति एड़ी से चोटी की पूरी पावर। जब बीजारोपण किया जाता है तो जगत माता जगत पिता पूरी शक्ति लगाए देते हैं कि रह जाती है, इधर उधर बांट देते हैं शक्ति नहीं। तो ऐसे ही बाप दादा की सोल 87-88 में सारी शक्ति चारों ओर से बटोर कर कहां लगा दी? एडवांस पार्टी में। और एडवांस पार्टी में वो कृष्ण की सोल अपना विशेष पार्ट बजाना शुरू करती है। रुंग का वर्ष जोड़ने से 90 आता है, तो 90 से लेकर के 10 वर्ष मानिंद 10 माह तो कितना टाइम आता है? 2000 आता है ना। तो ये 2000 का जो पीरियड है, जो बड़े बड़े ज्योतिषी हुए हैं किस समय के, जिस समय सूरदास तुलसीदास कबीरदास जैसे मनीषी भारत में हुए थे, उसी समय आज से 300-400 वर्ष पहले के बड़े बड़े मनीषियों ने विदेशों में भविष्यवाणियां की थी। जो भविष्यवाणियां कौन से सन के लिए लागू हो रही है? 2000 के लिए। उस समय जो उन्होंने भविष्यवाणियां लिखी थी, उस समय की शूटिंग भी उन्होंने कहां की होगी? वो आत्मा इसी समय हम बच्चों के बीच में कोई मौजूद हैं। अरे बाबा ने तो पहले ही क्लैरिफिकेशन में क्लियर कर दिया कि 76 से ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में स्थापना और विनाश हो रहा है या बाहर की दुनिया में हो रहा है, नगाड़ों में, कैसेट्स में, और भी जो लिटरेचर छपाया गया उसमें अथवा पत्र व्यवहार में कोई ऐसा लेटर है जिसमें बाहर की दुनिया के लिए बोला गया हो? नहीं। बाबा तो शुरुआत से कहते चले आ रहे हैं तुम ब्राह्मणों के लिए इतनी बड़ी विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है, कोई दूसरा भी संसार है? अगर ब्राह्मण है तो बुद्धि कहां लगी रहनी चाहिए? अपने छोटे से संसार में, छोटे से नक्शे में सारी दुनिया का रूपरेखा देखते रहो। तो जो बच्चे अंतर्मुखी हैं, वो तो अंतर्मुखी होकर के वाणी सुनते हैं और उनकी बुद्धि में ये क्लियर रहा होगा कि 76 में स्थापना और विनाश की शुरुआत हुई है, तो स्थापना और विनाश क्या एक चुटकी लगाने से हो जाता है? उसके लिए टाइम चाहिए ना। तो वो टाइम उन्होंने समझ लिया कि बाहर की दुनिया की स्थापना और विनाश जो है वो 2000 पूरा हो जाएगा। जिन्होंने समझ लिया उन्होंने ही वो भविष्यवाणी आज से 300-400 साल पहले कर डाली। सीढ़ी के चित्रों में लिख दिया, सीढ़ी के चित्र में भी लिख दिए हैं 2000 में। लेकिन वो सीढ़ी के चित्र में लिखा है या लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिया है, वो तो बाबा ने उसकी बेहद की बात बताई ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की। उसको हम मिसाल नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि वो एडवांस की समझाने की बात है। बाबा ने जो कुछ बताया वो तो सब सही बताया, जो साक्षात्कार कराया, जो बुद्धियोग से चित्र बनवाए वो सब हाँ एक रूप से सही थे। लेकिन जो 300-400 वर्ष पहले भविष्यवेत्ताओं ने जो भविष्यवाणी की 2000 के लिए, वो अंदरूनी दुनिया के लिए की है, ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया के लिए की या बाहर की दुनिया के लिए की? उन्होंने भी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया के ही संस्कार भरे हुए थे और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। तो दुनिया इस मुगालते में है,
कि 2000 में दुनिया का भारी परिवर्तन होगा, लेकिन नहीं, वो परिवर्तन यही होना है कि कृष्ण की सोल जो अभी गर्भ महल में गुप्त रूप में पार्ट बजाय रही है, वो कोई ब्राह्मण बच्चे के थ्रू, कोई ब्राह्मण परिवार होगा विशेष, जिसमें वो प्रत्यक्ष हो जाएगी। बाप किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? बच्चों के द्वारा। बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो हमने तो प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया 76, लेकिन क्या संभव हुआ? नहीं, क्योंकि बच्चों में इतनी ताकत ही नहीं है जो बाप को प्रत्यक्ष कर सके। ढोल भले पीटते हैं, 76 में बाप प्रत्यक्ष हो गया। कृष्ण की सोल ब्रह्मा ने दादी गुलजार मोहिनी के द्वारा बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित भी करवाई दिया। लेकिन बच्चा अपना कार्य पहले करेगा या बाप पहले करेगा? बाप तो सुप्रीम सोल सिम प्लस प्रजापिता, तो बाप अपने को पहले प्रत्यक्ष कर लेगा क्या? नहीं, वो कृष्ण की सोल वही 2000 में स्थापना का कार्य संपन्न कर लेती है। जो चंद्रवंशी आत्मा आधार मुहूर्त में है, पार्ट बजाय रही है विशेष, उनका कलेक्शन उनकी बुद्धि रूपी पेट में पूरा हो जाता है। वो 16000 की जो माला है उनके बुद्धि रूप में क्लियर हो जाती है कि ये विशेष आत्माएं हैं जो नई दुनिया में विशेष पार्ट बजाने वाली हैं। कौन से परिवार का? राज परिवार का पार्ट बजाने वाली। तो 2000 में 10 माह पूरे हो जाते हैं किसके? कृष्ण की आत्मा के। अब सवाल यह है कि कृष्ण की सोल गुलजार दादी में क्यों आ रही है? वो पार्ट तो खत्म हो जाना चाहिए 89 में 90 में। तो आपने देखा होगा कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो क्या करता है? मन बुद्धि से, मन बुद्धि उसकी निष्क्रिय हो जाती है क्या? वो पुरानी स्मृति में चली जाती है आत्मा। जैसे बाबा पहले बोलते हैं कि ब्राह्मणों में सोल का प्रवेश होता था, पितरों की आत्मा प्रवेश करती थी। तो क्या मन बुद्धि से प्रवेश करती थी या कोई सूक्ष्म शरीर से प्रवेश कर जाती थी? अरे मन बुद्धि से प्रवेश करना ही सूक्ष्म प्रवेशता है। वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं जो गर्भ में चली जाती थी, वो प्रवेश करती थी और प्रवेश करके पार्ट बजाती थी। ऐसे ही कृष्ण की सोल भी गर्भ महल में सूक्ष्म शरीर उसका समाप्त नहीं हो जाता। अरे गर्भ महल तो छोड़ो, बच्चा जब जन्म ले लेता है तो शैशवावस्था में कभी हंसता है और कभी रोता है। आप उसके सामने हाथ रख दीजिए, कोई चीज डुलाइए, कोई अच्छा खिलौना रख दीजिए, वो उससे प्रभावित नहीं होगा। उसकी आंखें खुली रहेंगी, लेकिन फिर भी वो कभी रोता है और कभी हंसता है। बाहर की बातों से प्रभावित नहीं होता, माने उसके अंदरूनी आत्मा कहीं दूसरी जगह साक्षात्कार कर रही है। उत्तर भारत की भाषा में उसको कहती है माताएं, बे माता उसको हंसाए रही है, रुलाए रही है। तो जो शैशवावस्था में बच्चा होता है, वो भी सूक्ष्म शरीर की यादगार में पूर्व जन्म में चला जाता है। तो क्या कृष्ण की सोल वो इस समय पार्ट नहीं बजाएगी? बजाती है। अभी भी गुलजार दादी के अंदर वो सोल प्रवेश करती है, लेकिन वो पार्ट और ही सूक्ष्म होता जाता है। प्रत्यक्षता होने के बाद भी चल सकता है, परिपक्व स्टेज आने तक
इसलिए बाबा कहते हैं कि कृष्ण की सोल भी इस समय पढ़ाई पढ़ रही है। वो पढ़ाई पढ़ाने वाली है या पढ़ने वाली है? पढ़ने वाली है। कहाँ पढ़ाई पढ़ रही है? संगम युग में। कहाँ? किस व्यक्तित्व में पढ़ाई पढ़ रही है? प्रजापिता में। कोई तो व्यक्तित्व होगा पढ़ाई पढ़ने वाला। प्रजापिता में। प्रजापिता में पढ़ाई पढ़ रही है। शास्त्रों में लिख दिया हे कृष्ण नारायण वासुदेव, उसका नाम कृष्ण भी दे दिया, नारायण भी दे दिया, फिर कह दिया अच्युतम केशवम राम नारायणम। वो राम भी है, नारायण भी है, अच्युत शिव भी है, सबको मिला करके एक कर दिया। ये बात कहाँ की है? ये संगम युग में उसे मिक्स पार्ट की यादगार है जिसका नाम शंकर पड़ता है। एक आत्मा एक शरीर में पार्ट नहीं बजाती, उसमें विशेष तीन आत्माएं हैं जो पार्ट बजाती हैं। राम की सोल भी है जो शरीरधारी है, कृष्ण की सोल भी है जो चंद्रमा सूक्ष्म के रूप में दिखाई जाती है, और शिव नेत्र जो तीसरा नेत्र है वो शिव सुप्रीम सोल गॉड फादर की आत्मा भी पार्ट बजाती है। इसलिए वही पार्ट संसार में त्रिमूर्ति शिव के नाम से संसार में गाया जाता है। ये विशेष पार्ट है परमात्मा पार्ट, जिस परमात्मा पार्ट के बारे में अव्यक्त वाणियों में और मुरलियों में ढेर इशारे दिए गए हैं, जो व्याख्या में अभी क्लियर हो रहे हैं। तो गुलजार दादी के अंदर जो वाणी चलाने वाली ये आत्मा बोल रही है कि आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, तो परमात्मा बाप या बाप दादा वो परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चे कहाँ हैं? जब परमात्मा के द्वारा पालना हो, और वो पालना कहाँ हो रही है? यहाँ परमात्मा होगा। और देख करके हर्षित हो रहे हैं तो कहाँ देख रहे हैं? कहाँ की बात सुनाई जा रही है? हाँ, अव्यक्त वाणियों में जो भी अव्यक्त बाप दादा कहा जाता है, माने ब्रह्मा की सोल परमात्मा शिव की याद में रह करके जो कुछ भी सुनाती है वो सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाती है। उन्होंने तो सूक्ष्म वतन ऊपर उड़ाई दिया। मुरलियों में भी कहा है सूक्ष्म वतन क्या होता है? कुछ भी नहीं। क्या सूक्ष्म वतन नाम की कोई ऐसी स्थूल स्थान की बात नहीं है। सूक्ष्म वतन माने कुछ विशेष ब्राह्मण आत्माओं का सूक्ष्म स्टेज में रहने का जो संगठित स्थान है उसका नाम पड़ा है सूक्ष्म वतन। जैसे बाहर की दुनिया में भी एक स्थान है जिसका नाम दे दिया है बड़मूला ट्रायंगल। क्या? बड़मूला ट्रायंगल। दुनिया वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो उससे हार खा के बैठे हुए हैं। बड़मूला ट्रायंगल अंध महासागर में, अटलांटिक महासागर में एक ऐसा समुद्री स्थल है जहां पर कोई जहाज जाता है वो समा जाता है, चाहे वो हवाई जहाज हो चाहे पानी का जहाज हो, वो पता ही नहीं लगता कहां चला गया। ये तो स्थूल दुनिया की बात है। स्थूल दुनिया में भी वो नजारे देखने में आते हैं जो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की बातें। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी एक बड़ा मूला ट्रायंगल है। झाड़ के चित्र में जो मूल मूल माने जड़ें दिखाई गई हैं, उनमें एक ऐसी जड़ भी है जो सबसे मोटी है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है। क्या? बनियन ट्री उसकी यादगार है। बनियन ट्री उसमें जो मूल जड़ है उससे निकला हुआ जो मूल तना है वो दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता। तो दिखाई नहीं पड़ता, वो साफ हो गया। लेकिन बरगद के वृक्ष में ये विशेषता होती है, या कोई भी दूध वाले वृक्ष होते हैं, ज्ञान दूध वाले
उनमें ये विशेषता होती है कि पृथ्वी के अंदर जहां पानी नमी होगी वहां वो लकड़ी गलेगी नहीं, क्या नहीं। वो लकड़ी गल करके मिट्टी नहीं बन सकती, वो लकड़ी अपना रूप धारण करके रहेगी ओरिजिनल। इसलिए जो कुआ खोदा जाता है तो कुएं के नीचे जो दीवार होती है, दीवार के नीचे जो आधार दिया जाता है वो दूध वाले वृक्ष की लकड़ी का दिया जाता है। जामर की भी दिया जाता है, कोई भी लकड़ी हो जिसमें दूध निकलता हो। तो बड़ा वृक्ष जो है उसमें सबसे जास्ती दूध होता है। ज्ञान का दूध कौन से वृक्ष में होता है? बड़ा वृक्ष, जिसकी मिसाल मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष से दी जाती है। तो जो मूल जड़ है गीता के शब्दों में वो प्रायः लोप है, क्या प्रायः लोप हो जाती है, माने ऊपर ऊपर जमीन खोदी जाएगी तो जड़ नहीं मिलेगी, अगर गहराई में खोदी जाए तो वो बड़ी मूल बड़ी जड़ मोटी जड़ मिल सकती है। तो ये बड़ा मूला है, ये झाड़ के चित्र में जो गुप्त रूप में है दिखाई नहीं गई है, दूसरे धर्मों की जड़ें दिखाई गई हैं, लेकिन जो मूल जड़ है प्राय है लोप है वो दिखाई नहीं गई है, लेकिन है जरूर गुप्त है, साइंटिस्ट नहीं जान सकते उसका मर्म। क्या साइंटिस्ट है जो परमात्मा को नहीं मानते, आत्मा को परमात्मा को उन बातों में वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हाँ हाँ, जो पनडुब्बियां जाती हैं ढूंढने के लिए उन जहाजों को वो भी नष्ट हो जाती है। तो ये बात कहाँ की है? हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में भी आत्मा रूपी एरोप्लेन है, एरोप्लेन कहो, हाँ चंद्रकांत वेदांत जहाज कहो, समुद्री जहाज जहाजी बेड़े, तो उनको भेजने में डरते हैं, क्या ऐसा ना हो कहीं ये भी जाकर के वहां लोप हो जाए। जैसे बाहर की दुनिया में बड़ा मूला ट्रायंगल से बड़े बड़े साइंटिस्ट डरते हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये डर समाया हुआ है कि ऐसा ना हो कि हमारा आत्मा रूपी एरोप्लेन उड़े और वहां जाकर के गायब हो जाए, माने एडवांस पार्टी वाले उसको कन्वर्ट कर लें। तो इसे डर से भेजते ही नहीं। तो ये सूर्यवंश और चंद्रवंश का जो झगड़ा है वो एक सेकंड का है। जो मुरली में बोला गया कि राधा चंद्रवंश की और कृष्ण सूर्यवंश का, लेकिन चंद्रवंशी कृष्ण वो सूर्यवंशी कृष्ण जो है वो तो चंद्रवंशी राधा के यहाँ जा न सके, क्योंकि बड़े कुल का है। भारतीय परंपरा में क्या माना जाता है? भारतीय परंपरा में ये विशेष मान्यता है हिंदुओं में उत्तर भारत में कि लड़का वाले जो है वो ढूंढने नहीं जाएंगे लड़की को, लेकिन सब बारात लेके तो जाते हैं। अभी बारात तो तब होगी जब राजा राम तुम्हारा गद्दी पे बैठेगा, और बारात के सपने कहाँ से देखने लगे? वो तो शिव की बारात बहुत मशहूर है, उस शिव की बारात में भी जब निकालते हैं तो पहले पहले सबसे आगे महाकाली निकलती है, क्या महाकाली? तो बारात दिखाई पड़ रही है या महाकाली दिखाई पड़ रही है? है महाकाली नहीं दिखाई पड़ रही? महाकाल और महाकाली ये सतयुग के आदि के स्वर्णिम युगी संगम युग के आदिकाल के पार्ट की यादगार है, या कलयुग के अंत के पार्ट की यादगार है? कलयुग के अंत के पार्ट की यादगार। सीढ़ी के चित्र में भी देखो
ध्यान से, देवियों की पूजा कब शुरू होती है? द्वापर में नहीं होती। जब कलयुग शुरू होता है तो सिंगल देवी देवताओं की पूजा शुरू होती है। क्या? सिंगल देवी देवताओं की पूजा शुरू होती है। ये जो भी सिंगल देवी देवताओं की पूजा है वो सृष्टि की स्थापना के कार्य में सहयोगी नहीं बन सकती। सहयोगी वही बच्चे बनेंगे जो माता पिता के रिगार्ड में बैलेंस रखने वाले होंगे। क्या? माता पिता के रिगार्ड में बैलेंस रखने वाले जो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के बच्चे होंगे वही नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में सहयोगी बनेंगे। इसलिए उस दिन मुरली में क्या क्लेरिफिकेशन दिया गया, हम बच्चों को क्या डायरेक्शन दिया गया? डायरेक्शन दिया गया कि जगदम्बा के मंदिर में तुम बच्चों को जाना चाहिए। और किसको समझाना चाहिए? जो जगदम्बा के फॉलोअर्स हैं, जो भक्त हैं, उनको जाकर के समझाओ। अगर वो समझ जाएंगे तो बहुत सारा कार्य सफल हो जाएगा। न समझने की वजह से माता पिता में फ्रिक्शन पड़ता है। यज्ञ के आदि में भी ये फ्रिक्शन था और अंत में भी अब ये फ्रिक्शन जो आदि में सो अंत में भी प्रत्यक्ष होता है। तो पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार होगा। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में जो आधार मूर्त है उनकी चिंता नहीं करनी है। पहले मेहनत कहाँ करनी है? जो उद्धार मूर्त है, बीज रूप आत्माएं है, रुद्रमाला के मणके है, जो मैं माला पहले तैयार होनी, उसका परिवर्तन करने में पहले ताकत लगानी चाहिए। बाहर की दुनिया को संदेश देने से कोई लाभ नहीं। अभी बीकेएस को भी संदेश देने से कोई उतना लाभ नहीं होगा। पहला परिवर्तन है अपना परिवर्तन। क्या? पहले हम अपना परिवर्तन करें कि हमें एक कीमत पर चलना है। क्या? दो कीमत पर नहीं चलना है। एक कीमत पर चलने से सदगति होगी या दो तीन चार की मत पर चलने से सदगति होगी? मत एक की माननी है, रिगार्ड मात पिता दोनों को देना है। हाँ जी, गर्मी लगता है, चलाइए आवाज आएगी। परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों से और देख देख के हर्षित हो रहे हैं तो कहाँ हर्षित हो रहे हैं? एडवांस पार्टी, एडवांस पार्टी में हर्षित हो रहे हैं अपने बच्चों को, अधिकारी बच्चों को देख देख करके, या माउंट आबू का जो हाल जिसमें ये वाणी चल रही है, अव्यक्त वाणी, एडवांस पार्टी, वहाँ गुलजार दादी के तन से आंखों से देख करके हर्षित हो रहे हैं, वहाँ की बात है? वहाँ की बात ही नहीं। वाणी भले चल रही है लेकिन समाचार कहाँ का सुनाया जा रहा है? एडवांस पार्टी में जो सूक्ष्म बुद्धि की स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं संगठित रूप में, वहां की बात सुनाई जा रही है। इस पहली लाइन का अगर मर्म नहीं समझा, अक्सर करके अव्यक्त वाणियों में पहली लाइन इसी प्रकार की होती है। क्या? ऐसे ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। तो अगर पहली जो लाइन है अव्यक्त वाणी की उसको ही नहीं समझेंगे तो असली अर्थ समझ में नहीं आ सकता। ओम शांति।